हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में। और बहुत टाइम के बाद फाइनली एक लाइव सॉरी लाइव बोली वीडियो आई है, जो कि बहुत पुरानी है। और ये मैं बहुत पहले अपलोड करना चाहती थी, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था एडिट करने का, और मोबाइल का स्पेस फुल फुल आ रहा है। ये प्रॉब्लम होती है भाई, हम मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है कि मोबाइल का जो स्पेस है फुल हो जाता है और मुझे वीडियोस डिलीट करनी पड़ती है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मतलब होती है यार, वीडियो एक एक वीडियो अगर आप छांटते हो ना, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि आप कौन सी वीडियो डिलीट करो। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ ताकि ये सेव रहे। तो कैसे भी करके मैंने टाइम निकाला है ये वीडियो डालने के लिए। और ये जो वीडियो है, ये हम लोग गए थे जया किशोरी की भागवत कथा में, और ये भोपाल में हुआ था। भोपाल में मैं पहली बार जो है ऐसे किसी भागवत कथा में गई हूँ, क्योंकि सच बोलूँ तो शादी से पहले तो इतना मतलब था नहीं कि जाना है। मम्मी लोग तो जाती रहती थी, बट मैं नहीं जाती थी। लेकिन शादी के बाद जो है मैं जय किशोरी के भागवत राम कथा उनके भजन सब सुनती थी, मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद से मेरा मन था कि मुझे उनसे मिलना है। मतलब होता है ना कि आपको कोई अगर अच्छा लगता है तो आप चाहते कि उसे आप फेस टू फेस देखें। तो बस मेरा ये मन था कि मुझे उन्हें देखना, और ये मौका मुझे मिल गया। फाइनली आई थी भोपाल के आसपास, भी बहुत बार आ चुकी हैं, बट वहाँ जाना नहीं हो पाया। बट इस बार जो है सोच लिया था कि जाना है, तो हम लोग आ गए और यहाँ पे उनको लाइव देखा हमने, बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ थी, और ये हम शुरुआत में जब आए थे तो उस समय भीड़ होते जा रही थी, और बहुत भीड़ हो गई थी शाम तक, तो भीड़ हो गई थी। ये भेल उत्सव मेला है भोपाल का, वहाँ पे पहले मेला लगा हुआ था, भेल उत्सव मेला, उसके बाद जो है यहाँ पे जय किशोरी जी का भागवत कथा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेला भी जो है अभी झूले वगैरह लगे हुए हैं और स्टॉल वगैरह भी लगी हुई है। मेला वैसे उठ ही गया था, थोड़ी बहुत स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, और भागवत कथा होने वाली थी, इसके बाद राम कथा भी होने वाली थी, तो इस वजह से जो है पूरी तरीके से मेला नहीं उठा था। तो अच्छा भी लग रहा था, भीड़ बहुत थी और सारी चीज़ें की सुविधाएँ थी वहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा जाके। ऐसे पास में जाके तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनका होना वहाँ पर बहुत था, काफ़ी था, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, और सेव भी रहेगा यूट्यूब पे, है ना। तो बस इसीलिए मैं ये अब सोचा कि चलो एक बार टाइम निकालते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग आगे उनके थोड़े से भजन और थोड़े से बीच के भागवत कथा जो है सुनने को मिलेगा। पूरी वीडियो तो नहीं बना सकते क्योंकि मज़ा नहीं आता, अगर आप वीडियो बनाने में लगे रहोगे तो आप सुनोगे कैसे कैसे। तो इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए फिर, अभी तक तो लोग बात चुन रहे थे और हम लोग आगे बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पर वीडियो बना लेते कि वहाँ पर मेला लगा हुआ था। मेला में कभी गई हूँ, भेल वाला मेला नहीं गई, भोपाल उत्सव मेला तो गई, बट जो भेल में मेला लगता है वहाँ पर मैंने ये यहाँ पर पहली बार आई थी, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ओके। आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। Yeah.
दे रही है ना फोटो खींच रही तो सीधे खड़ी होगी तब तो फोटो पोज दे रही फोटो खींच रही बस 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 चलो।